सोसाइटी में मैं हूँ एफटीसीपी का ट्रेनर नितिन भाटी और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने कंप्यूटर में ये बेसिक सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपने फर्स्ट सेशन में देखा कि मेरे स्टूडेंटों ने ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डाली थी जो कि विंडोज 7 32 बिट अल्टीमेट था। फिर हमने ड्राइवर पैक सॉल्यूशन की हेल्प से सारे कंप्यूटरों में बेसिक ड्राइवर डाले। अब आखिरी पार्ट हमारा बचता है कि हम कंप्यूटर के अंदर हमको बेसिक सॉफ्टवेयर डालने चाहिए। अब वो बेसिक सॉफ्टवेयर कुछ हमारे पास है जो कि हम आपको दिखाते दिखाइए। ये हमारे कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर है जिनका काम अलग अलग है। नंबर वन पे है हमारा एमएस ऑफिस 2007। सर काम है हमारा वर्ड पावर पॉइंट या फिर ऑफिस का जो भी काम होता है कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है। अब मैं बारी बारी आपको इसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस 2007 से। हम इस पर क्लिक करते हैं, सेटअप पे क्लिक करते हैं। सबसे नीचे करने से पहले हमारी सीरियल की होती है, हम सबसे पहले उसको कॉपी करेंगे। सीरियल की को कॉपी करते हैं। पहले कॉपी करने के बाद हमें अपने सेटअप को रन करवाना पड़ता है। हमारा जो सेटअप है इसको रन कराओ। एक बार रन होने के बाद ये आपसे लाइसेंस की मांगेगा जो कि हमने लाइसेंस की अभी कॉपी करी थी, हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। कंटिन्यू। अब यहाँ पे लाइसेंस है इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा वरना हमें आगे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। एक्सेप्ट कीजिए प्लीज। फिर कंटिन्यू। अब यहाँ दो ऑप्शन मांगता है, एक कस्टमाइज और एक इंस्टॉल। कस्टमाइज का मतलब यह है अगर आपको एमएस ऑफिस वर्ड या फिर पावर पॉइंट या फिर एक्सेल इन चार चीजों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए तो आप कस्टमाइज में वो कर सकते हो, लेकिन हमें तो सब कुछ चाहिए तो इसलिए हम इसको सीधा इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए प्लीज। अब यहाँ पे हमारा सेटअप रन हो चुका है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा सेटअप लगातार चल रहा है। बस आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है, तो इसके लिए हम थोड़ी देर के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ताकि जब ये पूरा हो जाए तो हम आपको दिखा सके। क्लोज मत करना भी बस क्लोज पे ना। जैसा कि आप लोग देख चुके हो कि हमारा ये एमएस ऑफिस 2007 इंस्टॉल हो चुका है। अब सारा प्रोसेस हो चुका है, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे सीधे इसको क्लोज करना है। क्लोज कर दीजिए इसे प्लीज। अब आपको चेक करना है कि आपका एमएस ऑफिस 2007 इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं, ये आपको चेक करना है। इसको चेक करने का दो तरीके है, या तो हम स्टार्ट पे जाके सीधा एमएस ऑफिस 2007 लिखिए एमएस ऑफिस 2007 एमएस ऑफिस 2007। चलो चेक करते हैं कि एमएस ऑफिस हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ या नहीं। इसको चेक करने के लिए हमें अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए प्लीज। राइट क्लिक करके आपको न्यू पे क्लिक करना होता है। न्यू पे आप देख सकते हो कि आपका एमएस वर्ड, एमएस डॉक्यूमेंट, जर्नल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस एक्सेल शीट सब कुछ आ चुकी है, यानी कि इनकेस हमारा एमएस ऑफिस 2007 प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब बारी है कि अगर हमने ऑफिस का काम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है तो अगला सॉफ्टवेयर आता है हमारा म्यूजिक का, वीडियो का और बाकी चीजों का। जैसे कि हम पहले अब दूसरे नंबर हम इंस्टॉल करेंगे VLC मीडिया प्लेयर जो कि फेमस है बहुत ज्यादा। चलो हम इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। ये VLC मीडिया प्लेयर का हमारा फोल्डर है, इसको क्लिक करते हैं। इसको देख रहे हो आप, इसके अंदर सेटअप पड़ा हुआ है, इस सेटअप को रन कराते हैं। रन कराओ, यस करना पड़ेगा। थोड़ी देर ये फाइल को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई अपडेट करने के बाद फिर ये इसका एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको इस पे ओके क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट 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 और सीधा इंस्टॉल। अभी हमारी फाइल इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है, ये हमारा VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि अब तक हमने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, एमएस ऑफिस 2007 और VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर जब इंस्टॉल हो जाता है तब उसके बाद एक इंटरफेस इस तरीके खुलता है, कंप्लीट द VLC मीडिया प्लेयर सेटअप विजिट का। इसे मालूम पड़ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। इसको फिनिश कर दीजिए प्लीज। जब फिनिश करोगे तब ऐसे ही VLC मीडिया प्लेयर खुल जाएगा। आपको इसको कंटिन्यू करना है, पहले कंटिन्यू सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा, फिर ये आपको दोबारा नहीं बोलेगा और फिर इसको क्रॉस मतलब क्लोज कर देना। अब हमारा VLC मीडिया प्लेयर भी इंस्टॉल हो चुका है, तो हम तीसरे वाले सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तीसरा वाला सॉफ्टवेयर हमारा अडोब रीडर है। अडोब रीडर सॉफ्टवेयर इसलिए इस्तेमाल करते हैं,
आपका SSC का एडमिट कार्ड हो गया या कोई भी बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये कोई भी ऐसी चीजें, ये मोस्टली PDF के फॉर्मेट में आती है। इस PDF के फॉर्मेट को चेकआउट करने के लिए, इसको खोलने के लिए हमें Adobe Reader सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो कि ये है। चलो हम देखते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। चलो देखिए, आपको पहले Adobe Reader पे क्लिक करना होता है, इसको यस करना होगा। यस करके आप देख रहे हो इसकी फाइल लोड ले रही है, इसको थोड़ी देर ऐसे रहने देते हैं। फिर आपको इसको नेक्स्ट करना होगा, इंस्टॉल। अब आपकी फाइल इंस्टॉल होने शुरू हो गई है, ये वाला अडोब जो अडोब रीडर है, अडोब रीडर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं डालते हो, ऐसा नहीं करते हो, तो ना ही आप अपने SSC के एडमिट कार्ड या दूसरे जो भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट है जो कि PDF के अंदर खुलते हैं, आप उसको रन नहीं करा पाओगे। इसलिए ये बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है, इसे इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। जो भी आप कभी सिस्टम असेंबल कराते हो या कभी भी कोई विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डलाते हो, फिर भी इसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हो, तो उसमें Adobe Reader होना चाहिए। ऐसा नहीं होता तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या होता है। फिनिश करने के, आपको इसको फिनिश करना है। ये देखिए आपके डेस्कटॉप पे Adobe Reader 9 का लोगो आ चुका है। अब अगला सॉफ्टवेयर हम डालते हैं WinRAR, सबसे नीचे WinRAR। WinRAR का काम होता है किसी भी कंप्रेस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का। जैसे कि आपका कोई ISO है, इमेज फाइल है, या कोई भी कंप्रेस्ड गेम है, उसको रीओपन करने के लिए या उसको खोलने के लिए हम ये WinRAR सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। और ये WinRAR सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इसके अंदर कोई भी अपनी फाइल कंप्रेस करते हैं, कोई भी चीज डालते हैं, तो सबसे पहले वो करप्ट नहीं होती है और दूसरा वो वायरस फ्री रहती है। तो चलिए देखते हैं फिर WinRAR कैसे इंस्टॉल होते हैं। WinRAR को रन कराइए प्लीज। यस, इंस्टॉल, ओके, डन। आप देख सकते हैं कि आपका WinRAR इंस्टॉल हो चुका है और उसका सेटअप रन हो चुका है। और इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो चलिए इसे क्लोज करते हैं। इसे क्लोज कीजिए प्लीज। तो जैसे कि आपने देखा, हमने अब तक अपने 3 या 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे कंप्यूटर के अंदर आखिरी सा सॉफ्टवेयर है जो कि डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा कंप्यूटर थोड़ा रिस्क में पड़ सकता है या फिर उसकी स्पीड में भी फर्क पड़ सकता है। मैं, हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ एंटीवायरस की। पर एंटीवायरस अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं और अलग अलग ब्रांड के होते हैं और अलग अलग काम करते हैं। तो मार्केट में इस टाइम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एंटीवायरस है वो है हमारा क्विकिल एंटीवायरस। इस टाइम मेरे पास भी क्विकिल एंटीवायरस का सेटअप है जो कि मेरे पास अभी फिलहाल पड़ा हुआ है, क्विकिल टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस। चलो देखते हैं फिर वो भी कैसे इंस्टॉल होता है। और हाँ, ये बुजुर्ग एंटीवायरस है, रन कराओ इसे प्लीज। एरर होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। यस कीजिए। अब थोड़ी देर में क्विकिल एंटीवायरस का एक इंटरफेस खुल गया। ये पहले इंस्टॉलेशन प्रिपेयर करेगा, स्कैन मेमोरी करेगा और इनिशियलाइजिंग के बाद ही ये आपको अंदरनी परमिशन करता है। ये पहले आपकी मेमोरी को स्कैन करता है कि ये चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में कोई मालवेयर, ट्रोजनवेयर या स्पाईवेयर ऐसा कोई वायरस है या नहीं। ये पहले उसको स्कैन करेगा, चेक करेगा, तब कुछ करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता अगर आपके कंप्यूटर वायरस पाता है तो ये प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर क्या हो रहा है। ये देखिए आपकी स्कैनिंग मेमोरी हो रही है। जैसे कि आपने देख लिया, हमने कोई किल का सेटअप रन कराया था, उसने इनिशियलाइजिंग लिया, स्कैनिंग मेमोरी करी और उसके बाद इंस्टॉलिंग के लिए ऐसा इंटरफेस खोला है उसने। तो इस इंटरफेस से आगे कैसे बढ़ते हैं, पहले आपको इसको एग्री करना पड़ेगा। एग्री कीजिए और देन इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि ऊपर सी प्रोग्राम फाइल ऐसा ऑप्शन आ रहा है। ये आपसे ये बताना चाह रहा है कि आपके जहां पे विंडो फाइल है ये वहां पे इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए फिर इसको इंस्टॉल करके करते हैं। नेक्स्ट कीजिए इसे प्लीज। ये आपका इंस्टॉलिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। जब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा तभी आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा मांगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करेंगे फिर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस 92% से ऊपर चला गया और ये प्रोसेस खत्म हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है हमें रजिस्टर नाउ और रजिस्टर लेटर, तो हम इसको रजिस्टर बाद में करेंगे। तो
कोई बात नहीं, हम इसे रजिस्टर लेटर करते हैं। रजिस्टर लेटर पर क्लिक कीजिए प्लीज, इसे क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको हमारी आपकी वीडियो पसंद आ रही होगी। और अब तक आप लोगों ने देखा कि नंबर वन पे हमने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था, देन ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, और उसके बाद लास्ट में बेसिक सॉफ्टवेयर। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा नाम है नितिन भाटी और मैं मैक्स टेक सोसाइटी का PMKY का ट्रेनर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। और अगर आपको कोई हमारे वीडियो में कोई फॉल्ट लग रहा है या कुछ अजीब सा लग रहा है या कुछ कुछ पूछना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेशन के कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो, जिससे सीधा सीधा मुझे मिल जाएगा और मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बाद में दे पाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।